अस्सलामुअलैकुम, कैसे मेरे YouTube फैमिली। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन, और ये है चिकन जो कि मैंने इतना सा लिया है अपने फैमिली के हिसाब से। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, दो अदद टमाटर हैं, तीन चार सब्ज़ मिर्चें हैं और चार अदद आलू हैं। आज हम बनाएंगे देसी तरीके से झटपट बनने वाला सालन, जल्दी से बनाने वाला सालन, क्योंकि मैं कुछ कामों में लगी हुई तो मैं लेट हो गई खाना बनाने में। इसलिए मैंने कहा आज हम जल्दी वाला मेथड यूज़ करते हैं कि जब हम लेट हुए हों, टाइम कम हो और बच्चों को खाना भी देना हो, तो फिर जल्दी से हम ये वाला मेथड यूज़ करें ताकि हम जल्दी से पका के खाना तो रेडी कर लें। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ग्राइंड करूँगी मैं ये मसाला सारा, प्याज टमाटर सब मिर्च, इनको मैं ग्राइंड करूँगी ब्लेंडर में, ग्राइंड करके फिर हम इसको ग्राइंड करके डालेंगे और साथ ही चिकन डाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने ये सारा मेथड करना है। और धनिया भी मैंने काट के रख लिया है, ये लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। चिकन के हिसाब से स्पाइसेस डालेंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे मसाले को काट के मैंने जग के अंदर डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना बस, क्योंकि टमाटर है, टमाटर में भी पानी होता है, प्याज का पानी होता है, तो उसमें ये ब्लेंड हो जाएंगे। अब मैं इनको ब्लेंड करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि अगला प्रोसीजर हमारा क्या होगा। ये ले जी, मसाला हमारा ब्लेंड हो चुका है। ये देखें मसाला हमने ब्लेंड कर लिया है। इसमें हम मसाला सारा ऐड कर देंगे, सारा मसाला ऐड करके इसके अंदर ही हम स्पाइसेस डाल देंगे। ये है हमारा देसी खाना आज बन रहा है, देसी खाना बना रहे हैं जल्दी झटपट वाला। ये अदरक लहसुन है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और नमक मिर्च और हल्दी मैंने इसमें ऐड की है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालें। इसमें कोई तेज़ मिर्च खाता है, कोई नॉर्मल, हम नॉर्मल से खाते हैं, ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। बाकी स्पाइसी जो गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह, वो हम लास्ट पर डालेंगे। इसको अब मैं चूल्हे पर रखने लगी हूँ, और इसी में यहाँ पर मैं इसमें घी भी डाल दूँगी। और मैं जब भी बनाती हूँ कौरमा वगैरह बनाती हूँ, केला कौरमा बनाऊँ, आलू वगैरह, आलू चिकन बनाऊँ, तो इसमें मैं लाजमी घी यूज़ करती हूँ, ऑयल यूज़ नहीं करती। इसको भी आप कभी ट्राई कीजिएगा, घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल का अलग टेस्ट होता है और घी का अलग टेस्ट होता है। ये देखिए जी, हमारा देसी खाना अब बनने को तैयार है, सब कुछ रेडी हो गया। इसको अब हम चूल्हे पर रखेंगे, हल्की सी आंच मैंने इसकी रखी हुई है, इसको ऐसे रखिए। हम ऊपर से नमक मिर्च हर चीज़ हमने ऐड कर दी है, अब हम इसको दम लगा देंगे। और ये जैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमने क्या करना है। इसको भी थोड़ा सा आँच थोड़ी सी मैं तेज़ करूँगी, इसको थोड़ी सी गर्मी ला करे, मतलब ये हीट पे हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद इसकी अगली सिचुएशन क्या होती है। देसी माएँ क्या कहती हैं कि हांडी साड़ी में सेक लग चुकी है। ऐ देखो जी, सेक लग चुका है, हूँ ऐ पकना स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही अब रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब्ज़ मिर्च मैं इसमें एक ऐड करती होती हूँ, मुझे प्यारी लगती है, मैं इसलिए ऐड करती हूँ। आपको भी दिल करे तो ऐड कर लेना, दिल करे तो ना ऐड करें। तो जैसे ये रेडी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ये हमारा झटपट वाला सालन है, जल्दी से बनने वाला। तो इसको हम थोड़ी सी, अब मैं ज़्यादा आँच तेज़ नहीं रखूँगी, थोड़ी सी कम कर दूँगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। ये देखिए जी, हमने सालन रेडी तकरीबन कर लिया है। मिर्चें भी अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, मसाला सारा बिल्कुल सही फ्राई हो गया है, और चिकन भी हमारा। और ये मैंने इसमें लेमन ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन डाला है, और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, और आलू को ऐड करके थोड़ा सा हम उसको भी फ्राई करेंगे, बाद में हम पानी ऐड करेंगे। ये है जल्दी से बनने वाला सालन, और सारा कुछ मैंने आपको बताया किस तरह हमने जल्दी से बनाना है। कभी देर हो जाए तो आप इसी तरह प्रोसीजर करें, तो इंशाल्लाह आप जल्दी से फ्री हो जाएंगे अपना सालन बना कर। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें आलू ऐड करने लगी हूँ। आलू मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी आलू डाल के, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। चिकन और आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, और पानी ऐड करके 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। तो फिर लास्ट पर हमने जो मसाले ऐड करने हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम पर रखने लगी हूँ। जैसे ही आलू हमारे गलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सालन हमारा अभी रेडी हो रहा है, और साथ में हम रोटियां बना लेते हैं। ये देखिए मैंने पेड़े कर के रख लिए हैं, अब हम रोटियां बनाएंगे। कुछ बच्चे रोटियां अपने लिए ले आए हैं होटल से, वो होटल की रोटी खाना पसंद करते हैं ऐसे सालन के साथ, और कुछ मैं घर पे बना लूँगी। तो चले फिर मैं रोटियां बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
कि आज का हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है। रोटियां हमने बनानी स्टार्ट कर दी हैं। अब ये जैसे रेडी होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ रोटियां बना के सारी। सालन हमारा अभी पड़ा हुआ है चूल्हे पे, जैसे ही रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सालन हमारा रेडी हो चुका है, मैंने स्टीम पे रखा हुआ था। इसका ऊपर देखिए घी भी आ चुका है, अभी भी स्टीम पे पड़ा हुआ, लेकिन ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और सूखा धनिया है, इसको हम इधर ऐड कर देंगे ताकि ये भी साथ ही हमारे इसके थोड़ा सा नरम हो जाएंगे। और यहीं पे मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। ले जी, हमारा सालन रेडी हो चुका है, रोटियां भी हमारी बस बन चुकी हैं, फिर हम इनको खाने के लिए देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबका क्या रिएक्शन होता है खाना खा के। ले जी, सालन हमारा रेडी हो गया है। मुबशर कैसा लगा खाना आपको? मुबशर रो रहा है, बताओ। फहीम आप बता दो। सही है वो, ऐसे जो करता है खाना खाने के बाद किन के काम चेक करे जरा, सब अपने अपने लॉलीपॉप खा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ, ये देखें मुझे मुबशर ने लग दिया है। मुबशर दिखाओ आगे आगे, आप क्या खा रहे हो? थोड़ा सा पीछे तो हो। ये देखिए जी, ये न्यू आया, आप न्यू लेके आए हो। चलिए जी खाए, हम भी खा रहे हैं, आप भी खाएं। ले जी, हमारी शाम की रूटीन में अब हम बना रहे हैं लास्ट पे चाय। लास्ट पे हम इसको चाय बना के देंगे इन सबको, और ये चाय पियेंगे और फिर सोएंगे। खाना खाने के बाद लाजमी इनकी रूटीन है कि चाय लाजमी पीनी है। तो मैं चाय में क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, ये देखिए मैं दालचीनी इतनी सी ऐड करती हूँ चाय में, और इलायची, सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी सौंफ मैं चाय में डालती हूँ। और ये देखिए मैंने चीज़ें ऐसे मंगवा के चाय के लिए स्पेशल रखी होती हैं, इनको मैं ऐड करती हूँ लाजमी चाय में ऐड करती हूँ। आप इनको ऐड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा, इस चाय का टेस्ट ही अलग होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि इसका टेस्ट बहुत अलग होता है इस चाय का ना। इलायचियाँ दो अदद इसमें डाल लेती हूँ मैं। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करती चाय में, शक्कर डालती हूँ। शक्कर वाली चाय बहुत मज़े की होती है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। तो चाय इनको बना के देते हैं फिर, और इन काम आज की शाम काम ख़त्म करते हैं। सारा दिन ऐसे ही कामों में निकल जाता है, कभी कोई काम कर लें कभी कोई काम कर लें। हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है कि सारा दिन घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। अब हम लास्ट में इनको चाय देते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ चाय बना के इनको बॉयल आता है तो। जब तक हमारी चाय रेडी होती है हम तब तक यहाँ पर किचन में खड़े आटा भी गूंद लेते हैं, ताकि सुबह फिर नाश्ते में आटा नहीं गूंदना पड़ेगा। तो मैं आटा गूंद लूँ, तब तक हमारी चाय बन जाएगी। और ये देखिए जी, चाय भी हमारी रेडी हो गई है और आटा भी हमने गूंद लिया है। अब मैं इसको आटे को फ्रिज में रखती हूँ और चाय को कप में डालती हूँ। ले जी, चाय भी हमारी रेडी हो गई है, अब इनको कप में डाल के तो अंदर उनको देकर आते हैं और वो पीते हैं चाय। ले जी, आज का लास्ट हमारा चाय का काम भी ख़त्म हो गया, हमने खाना भी बना लिया, उनको दे भी दिया सबको खाने के लिए, और बर्तन भी उठा लिए, चाय भी बन गई, आटा भी गूंद लिया, सब काम हमने आज के अपने अख्ताम पे पहुंचा दिए हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।